जय श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज हम बात करेंगे जादू टोना वशीकरण टोने टोटके की। अगर किसी के ऊपर किसी तांत्रिक ने कोई तंत्र क्रिया कर दी है तो व्यक्ति पे ऊपरी हवाओं यानी प्रेत आत्मा का साया आ जाता है। इस समस्या का तत्काल समाधान करवाना चाहिए, अन्यथा बहुत ही बड़ा संकट आ सकता है, अरिष्ट हो सकता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। ये बहुत ही कष्टकारी होता है, ध्यान रखिएगा। मैंने ऐसा कई बार देखा है कि तांत्रिक क्रिया का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। जब मैं अपनी PhD की रिसर्च कर रहा था तब ऐसा ही एक इंसिडेंट मेरे साथ भी हुआ। किसी की तंत्र क्रिया को निष्क्रिय करने की वजह से मेरे ऊपर वो साया आ गया था। बहुत साधना और ध्यान करने के बाद वो प्रभाव उतरा था। पूरा इंसिडेंट आपको कभी बाद में बताऊंगा। वापस आते हैं टॉपिक पे। मेरा आपको सजेशन है, कभी भी ऐसा कुछ एहसास हो तत्काल उपाय करिए किसी जानकार से जिसे तंत्र विद्या और आध्यात्मिक ज्ञान हो। आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, पर स्मरण रहे खुद से कोई उपाय ना करें, वरना एक्सपेरिमेंट आपको भारी पड़ेगा। ये एक्सपेरिमेंट करने वाली चीज़ नहीं है। आज आपको एक बहुत छोटा सा उपाय बताऊंगा, इससे अगर आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया करना चाहता है तो वो कभी भी सफल नहीं होगा। ध्यान रहे, अगर पहले से किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी है तो ये उपाय काम नहीं करेगा। ये सिर्फ उनके लिए है जो तांत्रिक क्रिया से बचना चाहते हैं। उपाय की क्रिया को नोट करें। अमावस और पूर्णिमा की रात 11 बजे एक मंत्र बताऊंगा, उस मंत्र की एक माला जाप करनी है। रुद्राक्ष की माला से इसका जाप करना है। ध्यान रहे, जो भी जाप करेंगे रुद्राक्ष की माला को लेकर के। मंत्र है जय शारदा माँ जय तारा माँ। ये बहुत ही सरल मंत्र है, सिद्ध किया हुआ मंत्र है, प्राचीन मंत्र है। इसका जाप करने से अगर आपके ऊपर कभी भी कोई भी तांत्रिक क्रिया करना चाहता है तो वो असर नहीं करेगी। कोई भी तांत्रिक बाधा, ग्रह दोष या कुंडली से संबंधित अन्य कोई उपाय अगर आपको पूछना है तो आप हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है gurukrupachannel@gmail.com। पेज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि हम इस चैनल से होने वाली कमाई का अधिकांश हिस्सा गौ सेवा में समर्पित करते हैं। अतः आपसे निवेदन है कि इस पेज को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।